गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो स्टार्ट विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स। Let us consider a fixed point O and a fixed ray OX. This is fixed point, this is fixed ray. Now consider some point P having coordinate X, Y and join this point to O. Let the distance OP be R and inclination of point P or OP with a fixed ray as theta. Then this R is called as radius vector. Radius vector. Theta is called as vectorial angle. Vectorial angle. This fixed point is called as pole and fixed ray is called as polar axis. Page number 76. Page number 76 में ये सारे डायग्राम और टर्मिनोलॉजी ये मेंशन्ड है। एक फिक्स पॉइंट कंसीडर किया O, फिक्स रे OX, एक पॉइंट लिया P, उसको ज्वाइन किया O से, डिस्टेंस कहा R, एंगल कहा थीटा। अब ये जो R और थीटा हमने इंट्रोड्यूस किए, दे आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर एंड थीटा आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। और बाकी की टर्मिनोलॉजी यहां मेंशन की है। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल, फिक्स रे इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस, आर इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज कॉल्ड एज वेक्टोरियल एंगल। ओके, अब ये जो R और थीटा है, P, चलो अभी थोड़ी देर के लिए इसकी जरूरत नहीं, यहां पर हटा देते हैं। ये जो दो क्वांटिटी है R और थीटा, ये P की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट है। O से कितने डिस्टेंस पर है और क्या इंक्लिनेशन फॉर्म कर रहा है, तो P की पोजीशन कंप्लीटली डिटरमाइन करने के लिए दिस टू कोऑर्डिनेट्स आर सफिशिएंट। ऑलरेडी इसके पहले तक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से P की पोजीशन पता करते थे, x और y। जैसे यदि ये प्लेन है x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन, तो कोई पॉइंट P की पोजीशन यदि पता करना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे x एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे y एक्सिस पर। x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस यदि x है, y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस यदि y है, तो हम P की पोजीशन बताया करते थे x, y। ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते थे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। x एंड y आर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये रेक्टेंगल फॉर्म होते दिख रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म होते दिख रहा है, इसलिए टर्मिनोलॉजी रेक्टेंगल लगा देते। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, एक्स एंड वाई आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हमें ये जो दोनों
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स है, इनके बीच में इस्टेब्लिश करना है इनका रिलेशन कि कैसे ये दोनों कनेक्ट होते हैं। इसके लिए भी दो क्वांटिटी जरूरी लग रही है, एक्स और वाई पोजीशन पता करने के लिए। पॉइंट पी के लिए यदि इस रिफरेंस में हम बात करें तो भी दो क्वांटिटी जरूरी लग रही है, आर और थीटा। तो दोनों में कुछ रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करते हैं। नाउ वी कंसीडर दिस पोल एज ओरिजिन एंड पोलर एक्सिस एज एक्स एक्सिस। पोल एज ओरिजिन, पोलर एक्सिस एज एक्स एक्सिस, और यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस। नीचे भी जाने की जरूरत नहीं, ये वाई एक्सिस। ओके, तो अब ये जो पॉइंट पी है मान लो यहां पर, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिफरेंस में ये रह गया एक्स कॉमा वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिफरेंस में यदि मान लो इसको हम ज्वाइन करा दें तो ये आर हो गया और ये एंगल थीटा। मतलब दोनों सिस्टम ये एक फिगर में हमने शो की, एक्स वाई क्या होगा एक्स वाई, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर एक्स और पैरेलल टू वाई एक्सिस है ये जो डिस्टेंस है वाई। तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां दिख रही है, यहां तक के ठीक है, यहां तक के सब ठीक है। हेलो, हेलो, ठीक। अब देखो ये परपेंडिकुलर को यदि नाम दे देते एम, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ एम पी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। वैसे ये डिस्कशन इसके पहले भी किया हुआ है हमने फर्स्ट लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में ये सब किया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके आगे हमको इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस वाई अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन आर। तो देयरफॉर वी गेट ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दीज आर द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। दीज आर रिलेशंस बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। यदि मान लो इसको हम नंबर वन देते हैं, इसको नंबर टू देते हैं, तो अभी हमको x और y इन टर्म्स ऑफ r और थीटा दिख रहा है। उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, r और थीटा इन टर्म्स ऑफ x y, ये दोनों को स्क्वायर करके यदि ऐड करें, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंप्लाई, इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिखेगा, यहां r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिखेगा। r स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो दे देगा आर स्क्वायर एंड दिस गिव्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जनरली जब हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, लेकिन यहां आर डिस्टेंस मेंशन कर रहा है, डिनोट कर रहा है, आर इज डिस्टेंस, तो हमने पॉजिटिव रूट कंसीडर किया। ये तो हो गया आर के बारे में बात। थीटा के लिए टू को यदि वन से डिवाइड करें, टू डिवाइडेड बाय वन, तो यहां आ जाएगा वाई अपॉन एक्स और इधर आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कैंसल, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, आर कैंसल हो गया। अच्छा, कैंसल हो गया मतलब डिवाइड हो गया, ऐसा कैंसल हो गया, मैथमेटिकली डिवाइड हो गया। डिवाइड कर सकते हैं आर से, यस वी कैन, बिकॉज आर इज नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव भी होगा,
क्योंकि जब हम पॉइंट की बात करें तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम आर से डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। सो दिज आर रिलेशंस फॉर आर एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, आर और थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये दोनों सेट याद रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, इनकी हमको हेल्प लेनी है। अच्छा, ये जो थीटा है, ये थीटा हमको एक्यूट एंगल प्रोवाइड करेगा, एक्यूट एंगल। ये फॉर्मूले से अभी हमने एक्यूट एंगल की बात की, फिर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एंगल की पोजिशन कैसे डिस्कस करना, कैसे एंगल फाइंड करना, अब वो अभी हम देखेंगे। इतना लिख लीजिए, डन। प्रॉब्लम एक्सरसाइज से लेते हैं। पेज नंबर 88। पेज 88, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर, ठीक है, नंबर 1 √2, π/4। दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको पता करने हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स लिखे उससे देखकर भी समझ में आएगा। चलो, x तो √2 हो सकता है, लेकिन ये पाई बाय फोर है, पाई बाय फोर मतलब एंगल में है ये, तो ये कार्टेशियन नहीं हो सकते, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। यानी जो लिखा हुआ है उसको देखकर समझ सकते हैं कि पॉइंट कौन से फॉर्म में है। तो दीज आर इन पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स। सॉल्यूशन, हियर आर इज इक्वल टू √2, थीटा इज इक्वल टू π/4। वी नो दैट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, रख दो वैल्यू। तो देयरफॉर x इक्वल टू √2 cos ऑफ π/4 विच इज इक्वल टू √2 इंटू 1/√2 विच इज इक्वल टू 1, एंड y इक्वल टू √2 sin π/4 that is equal to √2 into 1/√2 which is equal to 1. Therefore, answer required Cartesian coordinate is 1, 1. That means ये √2π/4 ये polar coordinate is equivalent to 1, 1। ये पोलर कोऑर्डिनेट और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेन पर, ठीक।
इसका फोर्थ प्रॉब्लम ले लेते हैं, फोर्थ वन। पॉइंट इज 1/2 7π/3, 7π/3। हियर आर इज इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 7π/3। वी नो दैट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ 7π/3। अब बात आती है इसको इवैल्यूएट कैसे करना, 7π/3 को इवैल्यूएट कैसे करना। तो ये पढ़ा है 11th क्लास में, सब कंप्लीट किया होगा। 7π/3 यानी कितना डिग्री हो गया, डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना डिग्री हो गया, 60 × 7 420 डिग्री, बराबर है। अभी जो 420 डिग्री है, ये 420 डिग्री को अलाइड एंगल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो 420 360 से ज्यादा है, तो दिस मीन्स 360 प्लस कितना, 60 + 60 = 420। तो इसको लिख सकते हैं हम हाफ कॉस ऑफ 2π, ये 2π और 60 मतलब π/3, 6π प्लस π 7π/3, करेक्ट है। तो ये जो कन्वर्शन है 7π/3 का इस फॉर्म में, यदि आप पाई के टर्म में इमेजिन करके उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कन्वर्ट द एंगल इनटू डिग्री और डिग्री से फिर जो भी करना है हमको। यदि मान लो 360 से कम रहता तो 2π माइनस कर लेते थे, तो डिग्री से कैलकुलेशन करना आसान है, तो कन्वर्ट टू डिग्री, डिग्री से कन्वर्शन कर लो और फिर उसको रेडियन में कंटिन्यू कर लो, ठीक है। अभी अलाइड एंगल फॉर्मूला काम आ जाएगा, कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा, तो 2π के साथ में है प्लस या माइनस, तो फंक्शन विल रिमेन सेम, तो दिस इज हाफ कॉस ऑफ π/3। अब देते प्लस या माइनस साइन, तो 2π प्लस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस ऑफ π/3 की वैल्यू मालूम है, कॉस ऑफ π/3 कितना, 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये हो गई x की वैल्यू। अब y फाइंड कर लो, एंड y इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ 7π/3, दैट इज हाफ साइन ऑफ 2π प्लस π/3। साइन ऑफ 2π प्लस π/3 है तो साइन ही रहेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, तो दिस इज 1/2 साइन ऑफ π/3। 1/2 साइन ऑफ π/3 इज, साइन ऑफ π/3 इज √3/2, दैट इज √3/4। और देयरफॉर ये जो हमारा पॉइंट था 1/2 7π/3 इज इक्विवेलेंट टू, एक्स की वैल्यू है 1/4 और y की वैल्यू है √3/4, आंसर। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्शन करने के लिए ये दो फॉर्मूले में हमको r और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब रिवर्स पार्ट देखते हैं, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। यस,
क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर विच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर, नंबर वन रूट टू। पॉइंट देख के समझ सकते हैं, दोनों जगह रूट टू है, दोनों जगह नंबर के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, एंगल नहीं है, ये पार्ट एंगल नहीं है, एंगल नहीं, इसका मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का काम कर रहा है, एक्स और वाई है, हमको इसका आर और थीटा में कन्वर्शन करना है। हियर एक्स इज इक्वल टू रूट टू, वाई इज इक्वल टू रूट टू, वी नो दैट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इम्प्लाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इसके पहले यूज किया हुआ है, ये टेन इनवर्स, ऐसा टेन इनवर्स इसके पहले आया है कहीं? टेन इनवर्स इसके पहले यूज किया हुआ है? हेलो, यस, टेन इनवर्स यूज किया है, ठीक है। ये चैप्टर में हमको और डिटेल पढ़नी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और फिर बचे हुए तीन रेसिप्रोकल्स। अब आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू तो यहां पर पुट करके मिल जाती है, इसको पहले पुट कर देते हैं, तो देयर फोर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट टू प्लस टू रूट फोर, रूट फोर, तो आर इज इक्वल टू हो गया टू। अभी इसको यूज नहीं करेंगे थीटा फाइंड करने के लिए, अभी इसको यूज नहीं करेंगे। देखो आर की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स बन गया टू टाइम्स कॉस थीटा, एक्स मतलब क्या था रूट टू, और एक और काम करो, ये वन ये टू, तो देयरफॉर वन इंप्लाई एक्स की वैल्यू रखा रूट टू, आर की वैल्यू रखा टू इंटू कॉस थीटा, और टू इंप्लाई वाई की वैल्यू रखा रूट टू, आर की वैल्यू रखा टू साइन थीटा। हमने रिलेशन वन और टू में एक्स और वाई की वैल्यू और आर की वैल्यू रख दी, तो दिस इंप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू अपॉन टू यानी वन बाय रूट टू, एंड दिस इंप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू अपॉन टू यानी वन बाय रूट टू। अभी एकदम सिंपल सा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि थीटा मस्ट बी पाई बाय फोर, यस। देयरफॉर अच्छा हियर एक स्टेटमेंट और यहां पर ध्यान देना चाहिए, कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसा कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो तो हमारा एंगल कहां लाया होता है, कॉस पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये मेंशन करना, हियर कॉस थीटा एंड साइन थीटा बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर एंगल थीटा मस्ट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल थीटा मस्ट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में से कोई भी एक रिलेशन
यहां से उठा लेते हैं। Therefore, cos theta is equal to 1 by root 2. जो दोनों पॉजिटिव तो दोनों में से एक रिलेशन हमने ले लिया। अब इसको cos के टर्म में मेंशन कर दो, तो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई बाय 4। 1 बाय रूट 2 को cos के टर्म में मेंशन किया, cos ऑफ पाई बाय 4, एंड दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये आर था, ये थीटा, हेंस वो जो पॉइंट है कार्टेशियन √2 √2 इज इक्विवेलेंट टू, पहले आर लिखते और फिर थीटा लिखते, ये उसका कन्वेंशन है, आर और फिर थीटा। आंसर ओके। समझ में आ रहा है ये? ओके। अब हम यही एक एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए बाकी के जो तीन क्वाड्रेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम एक्सरसाइज में सभी क्वाड्रेंट वाले नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। सुनो, समझ लो, एक बार चीज अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो आगे फिर कोई परेशानी नहीं होती है। इतना पहले लिख लीजिए, डन। अच्छा, अब हम है ना अपने मन से नए प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बोलकर हटा देते हैं। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर सेकंड, अभी इसको नेगेटिव दे देते हैं। अभी लिखो मत, आप लोग कुछ अभी लिखो मत, केवल ठीक से देखो, इसको नेगेटिव दे दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया, सेकंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, सेकंड पॉजिटिव। तो जो जो नेसेसरी चेंजेस है उतना हम करते हैं। हियर एक्स इज इक्वल टू −√2, वाई अपनी जगह, एक्स वाई रिलेशन सब ठीक है, एक्स −√2 का स्क्वायर, वो तो सेम आ गया। आर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुए, वैल्यू रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1 इंप्लाई एक्स की वैल्यू −2 cos थीटा, तो जब ये जाएगा तो cos हमको नेगेटिव दिखेगा, cos इज −1/√2। साइन वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन थीटा इज हाफ 1/√2। अब क्या दिख रहा है, cos थीटा इज नेगेटिव और साइन थीटा इज पॉजिटिव, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा ठीक से। हियर cos थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव, एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव। अब ये जो नेचर है साइन थीटा और कॉस थीटा का, ये नेचर को देखकर हमारा एंगल कहाँ होगा पहले तो ये डिसाइड करेंगे। तो कॉस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है, एंगल कहाँ लाया होगा? कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, एंगल कहाँ लाया होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर एंगल थीटा मस्ट लाय इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब ध्यान से सुनना, अभी ये नहीं है तुम्हारे सामने, ऐसा मानकर चलो। तो जब दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों में से कोई भी लिया तो उससे हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वहां से नेगेटिव रेशो को हम फर्दर ट्रीटमेंट देंगे, नेगेटिव वाले रेशो को। तो नेगेटिव रेशो ले लेते हैं। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू −1/√2, −1/√2 ये हमने कंसीडर किया, cos थीटा इक्वल टू −1/√2। अब ये जो −1/√2 है तो माइनस साइन तो अपनी जगह रख के 1/√2 को हम cos पाई बाय 4 ऐसा लिख सकते हैं, cos पाई बाय 4। अब यहाँ cos थीटा और यहाँ −cos पाई बाय 4 है, तो ये जो माइनस साइन है ये माइनस को अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसा फॉर्मूला यहाँ सेट करना होगा। अब उसके लिए वो जो अलाइड एंगल का पूरा टेबल बनाए थे
सिक्स वैल्यूज के साथ में, सिक्स साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के साथ में जो पूरा काम किए थे उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि जो माइनस है कॉस ये कहाँ होता है, तो कॉस माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है पाई माइनस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है पाई प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये कितना होता है, क्या लिखा जाएगा इसके लिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो पहले तो पाई के साथ में इसलिए कॉस थीटा रहेगा एज इट इज, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा की यदि बात करना हो तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होगा पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस के साथ में आ जाएगा राइट। तो यहां कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा दे रहा है, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा दे रहा है, दोनों वैल्यू हमको माइनस कॉस थीटा दे रही है। तो दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां जब आप एंगल की बात करते हैं थीटा की बात करते हैं तो वो जो थीटा की रेंज है वो रेंज माइनस पाई से पाई ऐसा डिस्कस करते हैं, या माइनस पाई यदि इंक्लूड नहीं किया तो पाई को इधर इंक्लूड कर लेते हैं, यानी माइनस पाई से पाई के बीच में यदि एंगल हो। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, हेलो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसमें आर्गुमेंट थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट, और जब उसकी वैल्यू फाइंड करते पोलर फॉर्म में तो उसको प्रिंसिपल रेंज में रखने की कोशिश की जाती है। ये दोनों फॉर्मूले काम करेंगे लेकिन हम और भी उसके आजू बाजू की चीजें डिस्कस करके एग्जैक्ट क्या लिखना वो बात करना चाह रहे हैं। तो आर्गुमेंट की जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज माइनस पाई से पाई, ये कंसिडर की जाती है। माइनस पाई से पाई मतलब माइनस 180 डिग्री से 180 डिग्री। अब एक जगह एक्सक्लूड किया नेगेटिव, क्योंकि 180 डिग्री यदि मान लो ये 180 डिग्री की बात हो रही है तो दिस 180 डिग्री इज माइनस 180 डिग्री, क्लॉकवाइज से 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज से माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 180 डिग्री को ड्रॉप करके पाई को कंसिडर करते हैं इंटरवल में। अब ये जो रेंज है तो ये रेंज में ये फर्स्ट एंगल बैठेगा कि सेकेंड एंगल बैठेगा, इस रेंज में ये फर्स्ट एंगल बैठेगा फिट होगा कि सेकेंड एंगल फिट होगा। हेलो फर्स्ट पाई माइनस थीटा यहां फिट होगा, पाई प्लस थीटा तो थीटा के बाहर चले गया 180 से ज्यादा चले गया। तो हालांकि फॉर्मूले दोनों यूज हो रहे थे, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास चॉइस हो तो चॉइस में से ऐसी चॉइस सिलेक्ट करें जो बाकी जगह भी 100% फिट होती है। तो ये चॉइस लेने से हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिक्वायरमेंट है थीटा फाइंड करने की वो फुलफिल होती है। तो दोनों में से फिर हम इसको प्रेफर करेंगे। पॉइंट समझ में आया, बैकग्राउंड समझ में आया, ओके सभी को 100% क्लियर है पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहां पर। दोनों चॉइस में से प्रिंसिपल रेंज हमको पता है, प्रिंसिपल रेंज में एंगल फिट होने के लिए हम फर्स्ट चॉइस प्रेफर कर रहे हैं। आ जाते हैं वापस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सो वी कैन राइट दिस माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, दिस इज इंपॉर्टेंट ओके। अब आगे का काम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू ये हटा देते सब में, हाँ तो दिस इज कॉस ऑफ 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाय 4, इधर है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4,
तो दिस इंप्लाय थीटा इज इक्वल टू 3π/4। एंगल मिल गया, क्या है इसका मतलब, पाई बाय फोर यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 45 + 45 90 डिग्री, 90 डिग्री + 45 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बराबर है, मतलब अपना एंगल जो फाइंड किया हुआ है सही है। ऐसे भी क्रॉस चेक कर लिया और यहाँ से भी समझ में आता है पाई में से कुछ एक्यूट एंगल माइनस किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है, देयरफॉर पॉइंट था हमारा -√2, √2 इज इक्विवेलेंट टू, आर की वैल्यू तो सेम है 2 और थीटा की वैल्यू 3π/4। कन्वर्शन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक। पॉइंट समझ में आया, ये जो नेगेटिव है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, यहीं से समझ में आता कि पॉइंट कहां पर होना चाहिए, पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके अकॉर्डिंगली थीटा, आर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आर विल रिमेन सेम, एंगल हमारा पॉइंट कहीं पर भी हो, आर डिस्टेंस है तो आर किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट हो आर विल बी सेम पॉजिटिव, लेकिन कॉस थीटा और साइन थीटा का साइन देखकर हमको एक्चुअल थीटा उस क्वाड्रेंट का फाइंड करना होगा। चलो ये हो गया, इतना हो गया, यस। अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोनों को नेगेटिव मान लेते हैं, -√2, -√2। अच्छा एक मिनट, अभी सेकंड में ही है, हाँ कर लो पहले कंप्लीट कर लो फिर हम थर्ड की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना आराम से पूरा, एक चीज तो समझ में आ गई है। ये कंप्लीट कर लेते हैं, अभी और 5-6 मिनट बचे हैं। चलो थर्ड अभी पहले ध्यान से देख लो, पहले अभी साथ साथ में लिखो मत कहां कहां चेंजेस हो रहे हो समझ लो। अभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट ले रहे हैं -√2, -√2, तो हियर एक्स इज -√2, वाई इज -√2, फॉर्मूला सब ये -√2 का स्क्वायर, ये तो आर में कोई चेंजेस नहीं हुए, 1 और 2 में जब पुट करेंगे तो ये -√2 दोनों जगह, कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू -1/√2, कॉस थीटा इज नेगेटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव, एक ही साथ लिख सकते, दोनों को एक ही साथ लिख सकते थे, हियर कॉस थीटा एंड साइन थीटा आर नेगेटिव, तो जब दोनों नेगेटिव है तो हमारा एंगल चले गया थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल थीटा मस्ट लाय इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब दोनों नेगेटिव है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाला चूज करेंगे रेशियो। अब हम कॉस थीटा को ही ले लेते हैं, नेगेटिव कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 - π/cos(π/4। अब इसके बाद की चीजें चेंज हो जाएंगी, क्यों चेंज हो जाएंगी, यहां जो हमने पाई माइनस पाई बाय फोर लिखा था, माइनस कॉस पाई बाय फोर का मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर होता है, लेकिन वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आने का रास्ता क्या था, पाई प्लस थीटा। अब ये पाई प्लस थीटा यदि हम यहां मेंशन करते हैं
तो ये तो एंगल के बाहर चले जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, लिख दो पाई प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस सॉरी माइनस तो अंदर पाई प्लस पाई बाय फोर, चेक कर लो बराबर है क्या, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय फोर इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय फोर, सही है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका कन्वर्शन फिर इसका मतलब कॉस ऑफ फोर प्लस वन फाइव पाई बाय फोर, कॉस ऑफ फाइव पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर तो थीटा इक्वल टू फाइव पाई बाय फोर। अब ये फाइव पाई बाय फोर का मतलब क्या हो गया, फाइव पाई बाय फोर का मतलब क्या हो गया, 45 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 45 डिग्री इंटू 5 225, आंसर करेक्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अभी जो इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे, यदि मान लो यही प्रॉब्लम पोलर कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर में होता और हमको उसको माइनस पाई से पाई के बीच में फिट करना होता, तो देखो क्या होता था, ये है 45 45 90 90 प्लस 90 180 180 प्लस 45, तो ये चला यहां से 90, ये चला 180 और ये चला, दिस एंगल इज 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 225 डिग्री एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम इसकी प्रिंसिपल रेंज, अच्छा एक चीज अब दो जगह प्रिंसिपल वर्ड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, एक तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करी थी जब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करी थी, यहां हम ये एंगल की प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं, एंगल के प्रिंसिपल, वहां पर 0 से 2 पाई ये रेंज में हुआ करता था, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात कर रहे हैं तो वो माइनस पाई से पाई, उसका जो टोटल लेंथ है दैट लेंथ इज 2 पाई, तो ये ध्यान रखना। हाँ ये ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते, ये देख लो आंसर उससे और ये सेम आ जाता है। तो ये जो एंगल है 225 पॉजिटिव सेंस में है, तो इसको नेगेटिव सेंस में भी काउंट किया यहां से यहां तक के, तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव सेंस में कितना एंगल हो जाएगा, ये तो ये माइनस 90 और उसमें 45 और हो गया, तो माइनस 135 डिग्री, माइनस 135 डिग्री, तो मतलब 225 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू माइनस 135 डिग्री, और ये जो माइनस 135 डिग्री है ये हमारी वो रेंज में माइनस 180 डिग्री से 180 डिग्री में फिट हो जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है। सो दिस थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस, अब ये 135 डिग्री यानी 3 पाई बाय फोर, सही है क्या, 45 90, हाँ सही है, थीटा इज माइनस 3 पाई बाय फोर, ओके okay? इतना पॉइंट नोट डाउन कर लो पहले, तो ये थीटा वाला पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो दिस इज वन अप्रोच थीटा फाइंड करने का, एक तरीका तो ये हो गया माइनस कॉस पाई बाय फोर को हमने लिखा कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय फोर, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय फोर, ठीक है।
दूसरा तरीका फिट होता है क्या ये देखते हैं यहाँ पर, दिस इज ओके ऑल राइट। दूसरा तरीका देखो, इसको हम रब कर रहे हैं अभी यहां से, हमको आना थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का ये रास्ता था, एक तो पाई प्लस थीटा, और दूसरा रास्ता होता है ये थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा का, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। लेकिन जब हम थ्री पाई बाय टू प्लस या माइनस थीटा की बात करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो फंक्शन चेंज हो गया, हमको चाहिए कॉस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो जरा, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, हमको एंगल होना पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब 3 पाई बाय 2 है तो फंक्शन चेंज हो गया, कॉस थीटा, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए वहां पर कॉस रहता नेगेटिव, ये नेगेटिव दिया हुआ है, और सॉरी साइन नेगेटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव दिया हुआ है। ये फॉर्मूला बराबर है साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पहले तो फंक्शन चेंज हो गया, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पहले तो साइन का बन गया कॉस थीटा, और ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। समझ लेते इससे काम होता है क्या, ये समझ लेते और फिर जो आसान लगेगा वो काम कर लेना कंप्लीट। तो फॉर्मूला तो सही है, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 विल बी माइनस कॉस पाई बाय 4, ऑलराइट, फॉर्मूला करेक्ट है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व किया तो साइन ऑफ कितना है ये 4, और यहां पर आएगा 6 में से गया 5 पाई बाय 4, साइन ऑफ 5 पाई बाय 4, सही है क्या, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में तो कॉस है, लेफ्ट साइड में कॉस फंक्शन और राइट साइड में साइन फंक्शन है, तो डायरेक्ट थीटा तो नहीं फाइंड कर सकेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये फॉर्मूले से थर्ड क्वाड्रेंट में जाना, किसी ने सजेस्ट किया था कि सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, ऐसा एक सजेशन था, तो ये सजेशन को इंप्लीमेंट करके बताने की कोशिश की। तो यहां फंक्शन कॉस है, यहां फंक्शन साइन है, तो डायरेक्ट थीटा नहीं आ सकता, आगे लेके जा सकते उसको, देख लो पूरा ही देख लो, अभी इधर कॉस है और इधर साइन है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, या तो हमको ये कॉस को साइन में लिखना होगा या ये साइन को कॉस में लिखना होगा। तो अभी इसको छड़छड़ नहीं करते, इसको रहने देते, ये साइन को कॉस में लिखा जा सकता है क्या, तो साइन थीटा को कॉस में यदि लिखना है तो कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो ऐसा कंप्लीट कर लेते इसको, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 बना यहां माइनस 3 पाई बाय 4, इधर कॉस थीटा है इज इक्वल टू कॉस माइनस 3 पाई बाय 4, तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय 4, आंसर सेम आता है, लेकिन ये जो रास्ता है ये रास्ता पहले वाले से थोड़ा सा मतलब केयर लेनी पड़ेगी, ये रास्ते से यदि जाते हो तो, है ना, ये सीमेंट रोड नहीं है, पहले वाला जो था सीमेंट रोड था, स्मूथ था, चले गए सीधे सीधे, ओके। तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी ये है कि यदि कंसेप्ट हमको सही सही मालूम है सब, और यदि मान लो हम कभी जो सीधा रास्ता है ना जाते हुए वहां रश रहा होगा, बाजू के रास्ते से चले गए, तो हमको फिर से मेन ट्रैक पर आना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट अप्रोच इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, बट दैट इज कन्वीनियंट, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। आप लोगों का क्या कहना है फर्स्ट और सेकेंड अप्रोच में, फर्स्ट वन इज क्वाइट इजी,
एज कंपेयर टू दिस वन। एक बात ये ध्यान रखो, जब भी ये एंगल हाफ मल्टीपल में आ जाता है ना, तो काम थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, 3π/2, हाँ 1π/2, 5π/2, 7π/2, और सीधे सीधे पाई प्लस माइनस थीटा, 2π प्लस माइनस थीटा, काम आसान होता है। ओके चलिए, तो आंसर लिख देते फाइनल। हैंस पॉइंट था हमारा -√2 -√2, तो ये बन गया r = 2 और थीटा है -3π/4। आंसर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के हमने कंसीडर कर लिया प्रॉब्लम, अभी इसी को आप फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एक दो मिनट में कर ही देते हैं। चलो ये हो गया क्या कंप्लीट, ये हो गया डन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। अब इतनी सब बात की तो फोर्थ क्वाड्रेंट की भी बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ये सब ठीक ठाक चला। एक्स पॉजिटिव वैल्यू रखा है तो आर की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है, एक्स पॉजिटिव वैल्यू है तो कॉस थीटा पॉजिटिव 1/√2 है, ये -1/√2 है, साइन थीटा -1/√2 है, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव। अब ये सिचुएशन देखने से समझ में आता है थीटा मस्ट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रेशो नेगेटिव वाला पिक करना, ये सब यहां से हटा देते हैं अभी। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है। एंगल कहां है ये ध्यान रखना है हमको, और इसके साथ ऐसा कुछ करना है कि उस क्वाड्रेंट में एंगल आ जाए। तो 1/√2 को साइन फंक्शन में तो लिखा जा सकता है sin π/4, हमको एंगल चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का रास्ता एक तो ये है, 2π-θ कहो या 0-θ कहो, या दूसरा रास्ता ये है 3π/2+θ। तो आसान यही दिख रहा है 0-θ, तो 0-θ के टर्म में इसको लिखा जा सकता है कि यस साइन ऑफ 0-θ विल बी -sin θ। वो पूरा टेबल अब यहाँ पर ऐसे जगह पर, वो जो पूरा टेबल आपने ईमानदारी से यदि बनाया होगा, वो कंप्लीट टेबल फर्स्ट क्लास में जो दिया था होमवर्क, वो यदि कंप्लीट बनाया होगा तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम बिना किसी रुकावट के आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज साइन ऑफ -π/4, इधर साइन थीटा है तो दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू -π/4। ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में फिट होता है क्या, -180° से 180° में? यस फिट होता है, -180° से 180° में एंगल फिट होता है। तो हेंस पॉइंट हमारा था √2 - √2 इज इक्विवेलेंट टू आर की वैल्यू 2 और ये -π/4। आंसर। अब इसको लिख लो ठीक से। तो इस तरह से हमने पहले वाला जो पार्ट था कि पोलर को कार्टेशियन में करना आसान है, पोलर वैल्यूज जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स उसको फॉर्मूले में रख दिया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब एक्स और वाई की वैल्यू दी है और आर और थीटा फाइंड करना है, तो आर तो सब जगह सेम होगा, थीटा कॉस और साइन के नेचर पर डिपेंड करेगा, तो जहां नेगेटिव होगा हम उसको लेकर एंगल फाइंड करेंगे। तो चारों क्वाड्रेंट कंसीडर कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए होमवर्क, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। चलो रोकते हैं अभी यहां पर, बाय बाय, जय गणित।